मैं हूं प्रवेश और आप लोग देख रहे हो क्रिएटिव कॉर्नर फ्रॉम डायरेक्टर डेक्स। जब भी मैं आता हूँ कुछ नया चीज़ लेकर आता हूँ तो इश्यूज़ तो थोड़ा सा आज गंभीर है। दो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। पहले मैं थोड़ा सा जो सीरियस वाला चीज़ है उसके लिए बात करता हूँ। नेक्स्ट जो होगा थोड़ा खुशी का बात है, वो हम बाद में बात करते हैं। मसला ये है कि हम लोग क्रिएटिव पीपल हैं और पूरा जो हम वीडियो बनाते हैं क्रिएटिविटी के तहत ही बनाते हैं, और बनाने के बाद अगर कोई भी बंदा अगर क्रिएटिव काम करता है, और वो क्रिएटिव करते हैं किसके लिए, उनके व्यूअर्स सब्सक्राइबर इनके लिए, किसी के लिए तो बनाता है। अगर जिनके लिए बना रहा है अगर वो सही तरीके से अगर वो उसको ठीक तरह से नहीं देखते हैं तब उसको बुरा लगता है, और ये बहुत जायज़ है, सभी को ऐसा ही होता है। तो हम लोगों को लग रहा है हम जो 24 घंटा 365 इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों का मेन स्ट्रीम वाला चीज़ है। हम ऐसे ही नहीं हम करते हैं, डिफरेंट चीज़ें। बॉन्गवॉयज विद इकोस्केप का एज 1 साल 8 महीने में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे और कर भी रहे हैं, लेकिन वो उतना तेज नहीं जा रहा है जितना हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है। क्यों नहीं है, इसका एक कारण है। कारण यह है कि वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे ये इसका क्वेश्चन अराइज करता है। जैसे जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं, उस अपलोड करने के बाद दो चीज़ होता है, आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, शायद आप देखते हो इसलिए आप लोग हमसे जुड़े हो, लेकिन देखने के बाद जो एल्गोरिथम का चक्कर है वही मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले यूट्यूब का पॉलिसी डिफरेंट था, हर साल वो डिफरेंट पॉलिसीज ले आते, और यूट्यूब कोई इंसान तो है नहीं, इसका सब सेट ऑफ प्रोग्राम और एल्गोरिथम है जो डिसाइड करता है कि एक वीडियो को देखना पर सही है या नहीं है। वहाँ पर ऐसे किया गया, ये किया गया सही है, मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बंदे ऐसे हैं कि अगर उत्पटांग डाल देते हैं वीडियो तो यूट्यूब आप बहुत दे आर वेरी मच इनकम कम्पिटेंट हो चुका है इसको ढूंढने के लिए कैसे ये चल रहा है कि उसको कैसे जब्त करा जाए। तो इसके लिए उसका एल्गोरिथम का चेंजेस लाते हैं। लास्ट टाइम में क्या होता था, 10,000 व्यू होने से मोनेटाइज हो जाता था, अभी तो नहीं हो रहा है। अब डिफरेंट इश्यूज आ चुका है, जो हो रहा है उसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ध्यान से आप सुनिए, मैं जब वीडियो या कोई भी अगर यूट्यूबर जब वीडियो को अपलोड करता है, एक नोटिफिकेशन जाता है आप लोगों को कि नहीं ये यूट्यूब हो गया, आप सब्सक्राइब हो तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बात चलता है कि आप उसको देखोगे कि नहीं देखो, अगर नहीं देखते हो बाद में देखते हो ठीक है, लेकिन पूरा देखो। फर्स्ट टाइम जैसे आपको नोटिफिकेशन जा रहा है, किसी का भी वीडियो हो अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसका पूरा देखो, बीच में मत छोड़ो। बीच में छोड़ने से इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, जो बना रहा है ना उसका ठीक तरह से असेसमेंट नहीं होगा, एंड इट ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द चैनल। क्या होता है, जैसे आप लोगों को वीडियो मिलता है, वीडियो मिलने के बाद तो आप 2-3 सेकंड देखते हो, फिर ऑफ कर देते हो, फिर देखते हो, फिर लगता है कि आप चले जाते हो, आपको लगता है आप बिजी लोग हो, सब मुझे पता है, अभी इसी टाइम में टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, तो आप देख मानते हो कि बाद में देखूंगा, लेकिन आप ऑफ करके जैसे निकल जाते हो ना, एक नेगेटिव फीडबैक जाते हैं यूट्यूब के सोर्स पे, मतलब अपलोड होने के बाद इस वीडियो का उतना दम ही नहीं है कि वो उसको सजेस्टेड वीडियोस में फेंके और उसको वायरल बनाए। तो क्या होता है, वो दबता जाता है और वीडियो नहीं होता है, आप लोगों तक पहुंचा नहीं जाते, तो एंड रिजल्ट में चैनल के ऊपर आ जाते। तो मेरा यही गुजारिश है कि जैसे आपको मिलता है तब मत देखो, बाद में देखो, लेकिन देखो तो पूरा कंटिन्यू करके देखो, ऐसे बीच में मत छोड़ दो, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द चैनल। क्यों होगा, देखिए अगर मैं बना रहा हूँ या कोई भी हमारे पूरा टीम बना रहा है, उन लोगों का अगर डिमोटिवेट हो जाएगा तो शायद हम उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि हम तो फरिश्ता है नहीं, हम लोगों का एक रिसोर्स कंसर्न है, बहुत दिक्कत से हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसका सही तरीके से एसेस होना चाहिए। ये मेरा गुजारिश है, आई एम यूर माई फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों मेरे साथ भी तो दूसरे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर रहे हो तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो जिसका भी सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, जिसका भी वीडियो आ रहा है उसके अंत तक देखो, ऐसे बीच में मत छोड़ दो, यही मेरा सजेशन था। ये था फर्स्ट इशू, प्लीज़ दिल पे मत लीजिए, क्योंकि हम तो बनाते हैं कि इसका असेसमेंट सही अगर हो तब हमको भी अच्छा लगेगा,
कोई भी अगर कोई जो पोएम लिखता है, कोई कहानी लिखता है, अगर ठीक तरह से वो आपके तक पहुंचना तो चाहिए यार, आप देखो तो फिर, अगर नहीं देखने से क्या होगा, ये तो ट्रैश में चला जाता है। यही था, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल बरकरार करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बंदे जुड़े हुए हैं। बॉन्गवॉयज विद इकोस्केप का अभी फिलहाल सब्सक्राइबर है 700, क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये और बढ़े, और जो जो बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, रूमी जो कैमरा अभी भी कर रही है, शोम है, बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, विकी अरिजीत ये लोग भी थे, सब काम कर रहे हैं। और एक चैनल में देखिए चैनल का कैसा है, अब देखते हो कि जो यूएसपी है, मैं वो यूएसपी के बारे में बात कर रहा हूँ। बॉम्बोज ज़्यादातर यूट्यूब में एक पर्टिकुलर चैनल को लेकर वो लोग फोकस करते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को। मान लीजिए कोई ग्लैमर के ऊपर, कोई मेहंदी के ऊपर, कोई ब्यूटी टिप्स के ऊपर, कोई कुकिंग के ऊपर। लेकिन हमारे बॉम्बोज रिक्वेस्ट में, रादर आप लोगों का बॉम्बोज रिक्वेस्ट में क्या है, सब कुछ है। क्या नहीं है यहाँ पर, वर्किंग विद लीना को लेकर शुरू किया था, किसके ऊपर, सिटी के ऊपर, राइट। लेकिन वो बंद करके हम मैंने शिफ्ट कर दिया वंडरलस्ट के ऊपर, और वंडरलस्ट इतना बढ़िया हुआ कि सीजन तो चल गया 50 एपिसोड के बाद, फिर सेकेंड सीजन भी स्टार्ट हो गया ड्यू टू द पब्लिक डिमांड। तो इसके ऊपर पूरा ट्रेवलिंग के ऊपर होता है, फिर हारमोनी है जहाँ पर आप म्यूजिक के ऊपर सुनते हैं, फिर इंटीरियर्स के ऊपर है, फिर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर आहा नाम का वो जो चैनल वो कॉलम है वो भी है। तो क्या नहीं है, सब कुछ है। और आपके पास ओरिजिनल्स जो है बॉम्बस ओरिजिनल्स में आप लोग फिल्म देखने को मिलता है, शॉर्ट फिल्म्स मिलने को, कितना सारा कुछ है। तो ये एक पूरा पैकेज है, और नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स में दिस विज बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट। अब आ भी चुका है, ऐसे सबके हाथ में मोबाइल है, सब ऐसे, तो हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ रहो तो हम बहुत, आपके बिना तो ये अधूरा है, सब नो यूज, ठीक है। तो अब देखते रहो, तो मैं और कुछ इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। अब सेकेंड इश्यूज में आते हैं, वो उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली कुछ काम करना चाहते हैं। अब सबके पास मोबाइल है, सब देखना चाहते हैं, और बहुत हुनर वाले बंदे हैं जिसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो एसबी स्टूडियो जो एक्चुअली द पाइवोटल प्राइमरी प्रोडक्शन हाउस है, जो इस बॉम्बवॉयज विद इकोस्केप के लिए और हमारे जो अलग अलग चैनल है रंगमंच, उनके लिए बनाते हैं ये सब वीडियो वगैरह। तो एसबी स्टूडियो ने एक ऐसा ऐलान किया है कि जो सीरियस एक्टर और एक्ट्रेस है, जो बनना चाहते हैं लेकिन उनके हुनर है लेकिन रिसोर्सेस नहीं है, वो उनको ग्रूम अप करेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डाल दिया है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आइए, फ्री है। अगर ये आने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 शॉर्ट फिल्म में आप काम कर पाओगे, एक थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो प्लीज कॉन्टेक्ट आवर चैनल, और फोन नंबर ईमेल्स वगैरह सब दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट करो। और मुझे लगता है कि आप नए बंदे को और नए टैलेंट्स को लेकर बॉम्बोज दिकोस्केट विज़ोविस रंगमंच बहुत दूर जा सकता है, ये मेरा विश्वास है, हमारा सभी का विश्वास है। इसको लेकर ही मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। कभी भी आप लोगों से फिर आ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना क्रिएटिव कॉर्नर्स के ऊपर, मैं कॉपीराइट इश्यूज और जो स्ट्राइक के ऊपर बात करूंगा, और उसके साथ साथ लाइसेंसिंग के ऊपर भी बात करूंगा। तब तक ले छोड़िए, मैं प्रवेश आज के लिए इजाजत दीजिए, और जो मैं बोलता हूँ टेक केयर, बाय एंड शब्बा खैर।